नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। नैन आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं मैं। और बायोलॉजी की क्लास में आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं। जीवधारियों के वर्गीकरण में हम लोगों ने जो शुरू किया था, तो वो टॉपिक जो है अभी चल रहा है। हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ लिया है। उसमें हमने देखा कैसे विषाणुओं को देखा, हमने उनसे होने वाले रोगों को देखा, उनकी संरचना देखी कि किस तरह वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हैं। हमने जो है जीवाणु को भी देखा। मोनेरा जगत जब हमने शुरू किया, तो मोनेरा जगत में सबसे पहले हमने जीवाणुओं को देखा। तो जीवाणुओं के बारे में कुछ चीज़ें हो चुकी थी, जैसे उनकी संरचना। हमने मोनेरा में सबसे पहले क्या देखा, ये क्रम से देख लिया जाए। मोनेरा जगत, तो मोनेरा किंगडम में हमने क्या शुरू किया था, जीवाणु। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाता है बायोलॉजी में। जैसे जो प्रश्न पूछा जाता है वो किस सेक्शन से होता है, कभी कभी इस सेक्शन से होता है कि वो किस तरह जो है मनुष्य के लिए उपयोगी है, या कभी इससे सवाल पूछा जाता है कि कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिसके लिए जीवाणु जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो जीवाणु के बारे में जो हमने अभी तक पढ़ा, बैक्टीरिया के बारे में हमने अभी तक क्या जाना, हमने ये जाना उसकी विशेषताएं जानी, उसका देखा हमने क्या कौन स्ट्रक्चर होता है, किस तरह की संरचना होती है। उसमें बहुत सारे कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनका अभाव होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे उनके कुछ मूल लक्षणों के बारे में। जानेंगे आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे उनके मूल लक्षण क्या हैं, और ये समझेंगे कि किस तरह जो है मनुष्य के लिए वो उपयोगी हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जरूर ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए, अब देखिए इसमें जो है एक बात महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, कि जो है मन ये जीवाणु में आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है कि जीवाणु में कुछ संरचनाएं ऐसी हैं जो पाई जाती हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में तो डिस्कस कर ही दिया था कि क्या क्या संरचनाएं नहीं पाई जाती। अब देखिए, जो बातें छूट गई थी उसको हम क्रम से देखेंगे। इसमें जो है क्या पाया जाता है, कोशा। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, कशाभिका। क्या पाया जाता है, कशाभिका। अच्छा, कशाभिका क्या है दोस्तों, कशाभिका एक तरह से इनके पादाब है जो इन्हें चलने में मदद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये आपके जीवाणु का उदाहरण है। ठीक है, इसमें जो है ये आपने देखा होगा, इसको क्या कहते हैं, पादाब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पादाब। अब आपने देखा होगा कि अमीबा किस तरह जो है गमन करता है, आपने ये देखा होगा। अगर आपने किसी वीडियो में आप इसको सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि इनकी मदद से क्या करता है, ये गमन करता है। यही पादाब जो होते हैं इसको गमन करने में, भोजन प्राप्त करने में और बहुत सारी जैविक प्रक्रियाओं में मदद करते हैं। ठीक है, प्रजनन, गमन, भोजन, इन सब के लिए ये पादाब महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक तो कशाभिका पाई जाती है और रोम पाए जाते हैं। रोम किस में पाए जाते हैं, ये आपने देखा होगा, पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम होता है। तो पैरामीशियम में क्या होता है, रोम पाया जाता है, पैरामीशियम में रोम पाया जाता है। और ये जो एक और जीव होता है, यूग्लिना, आपने देखा होगा यूग्लिना, इसमें क्या होता है, ये कशाभिका पाई जाती है। ठीक है, तो पादाब ये हो गए, पादाब ये हो गई कशाभिका और ये हो गए रोम। तीनों चीजों को आप अच्छे से समझिए, ये किस लिए पाए जाते हैं, ये इनके गमन में, जनन में या भोजन को प्राप्त करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा ये महत्वपूर्ण अंग है जो किसमें पाए जाते हैं, मोनेरा जीवों में पाए जाते हैं। ठीक है, मोनेरा जीवों में पाए जाते हैं। अब देखिए, इसमें एक मजबूत कोशा भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मजबूत कोशा भित्ति। सामान्य लक्षणों के बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए इनके बारे में जानना आवश्यक है, सामान्य लक्षण। ठीक है,
सामान्य लक्षण में आप ये चीज जान लीजिए कि जो जीवाणु होते हैं ये क्या होते हैं, ये आदि जीव हैं, ठीक है। आदि जीव, आदि जीव मतलब सबसे प्रारंभिक जीव में इनको रखा जाता है। सूक्ष्मतम है, सूक्ष्मतम है और सरलतम है। आदि जीव है, सूक्ष्मतम है और सरलतम है। अब यहां पर जो चीजें हमने आपसे डिस्कस नहीं की थी पिछली क्लास में, उन चीजों को अगर देखें तो विषाणु को छोड़ के, देखिए विषाणु की जो संरचना हमने पढ़ी है, विषाणु जो है जीवाणु से भी सरलतम है। इसलिए क्योंकि विषाणु के बारे में यह कहा जाता है कि वो निर्जीव से सजीव में डेवलप नहीं हो पाया, उसी के बीच की वो कड़ी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जीवाणु तो विषाणु की अपेक्षा सरलतम नहीं है, लेकिन विषाणु के बाद जो सबसे सरलतम जीव है, जो जीव की श्रेणी में आएगा, वो क्या होगा, वो जीवाणु होगा। तो ये बात महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान दीजिए। अब अगर उपस्थिति के बारे में बात करें, उपस्थिति के बारे में हम बात करें, प्रेजेंस के बारे में बात करें, तो जीवाणुओं की जो उपस्थिति होती है हर स्थान पर है। मतलब ऐसा कोई स्थान नहीं है आपकी कल्पना में जो वहां पर जीवाणुओं की उपस्थिति से परे हो, चाहे वो मुंह हो, चाहे वो पेन हो, ब्लैक बोर्ड हो, कहीं भी। ये मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था, इनकी उपस्थिति हर जगह पाई जाती है। अब देखिए जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है, इनका जो आकार, इनका जो आकार होता है वो कितना होता है, 2 से 10 माइक्रोन तक होता है, ठीक है, 2 से 10 माइक्रोन तक। देखिए कहीं कहीं ये भी है 60 माइक्रोन तक के भी जीवाणु का अस्तित्व पता चला है, लेकिन लगभग जो है जो एवरेज साइज है इनका 2 से लेके 10 माइक्रोन तक एवरेज साइज है, ठीक है। ये हो गई आकार की बात। अब देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिए, इनकी कोशिका भित्ति, ये महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इनमें जो है एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। जब हम पादप जगत के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो आपको स्पष्ट मैंने बताया था कि पादप जगत के जो भी जीव होते हैं उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो पादप कोशिकाएं होती हैं उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। यही कारण है, और वो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की, किसकी, सेलुलोज की, ठीक है। तो ये जो सेलुलोज की कोशिका भित्ति है यही पादप कोशिकाओं को अलग करती है जंतु कोशिकाओं से। यहां आपने देखा कि इसमें जो है पादप कोशिका की तरफ जो है कोशिका भित्ति की उपस्थिति है, ये बनी किसकी होती है, काइटिन की, किसकी बनी होती है, काइटिन की। तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति की वजह से इसको पादप जगत में भी शामिल कर लिया जाता है, पादप जगत में भी शामिल कर लिया जाता है। ये सवाल बन सकता है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जीवाणुओं की जिसकी वजह से इनको पादप जगत में भी शामिल किया जाता है, वो विशेषता है काइटिन की बनी हुई सेल वॉल या कोशिका भित्ति की, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब ये देखिए, पोषण के आधार पे 3 तरह के हो सकते हैं, पोषण के आधार पे ये जीवाणु 3 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये स्वपोषी भी होते हैं, ये परजीवी हो सकते हैं, परजीवी या मृतोपजीवी कह सकते हैं, मृतोपजीवी हो सकते हैं या सहजीवी भी हो सकते हैं, सहजीवी भी हो सकते हैं। देखिए आपको ये जानना चाहिए कि स्वपोषी ये क्यों होते हैं, स्वपोषी मतलब इनमें जो है प्रकाश संश्लेषण एक तरह का होता है, इसमें देखिए परहरित तो नहीं पाया जाता है, लेकिन उससे ही मिलता जुलता एक पदार्थ पाया जाता है, जिससे क्या करते हैं कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो अपना भोजन बना लेते हैं। अब परजीवी, परजीवी के रूप में आपने देखा होगा कि माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो टीबी के लिए जिम्मेदार होता है। ये जीवाणु जो होता है क्या होता है, परजीवी ही तो होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम जो प्रजाति है इसको माइकोबैक्टीरियम कहेंगे,
ये जो प्रजाति है ये क्या है, परजीवी प्रजाति है, और सहजीवी के रूप में बहुत ही प्रमुख जो है जीवाणु है, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। राइजोबियम आपने सुना होगा, राइजोबियम ये जीवाणु क्या है, जो भी लेग्यूमिनस कुल के पौधे होते हैं जैसे दाल, इनकी जड़ों में जो है गांठें पाई जाती हैं, इनमें ये जीवाणु निवास करते हैं। तो जो मटर की जो है जड़ों की गांठें होती हैं, इन जीवाणुओं को आश्रय प्रदान करती है। बदले में इन जीवाणुओं का क्या काम होता है, ये जीवाणु अपने भोजन के लिए ऑक्सीकरण करते हैं, किस चीज का, नाइट्रोजन गैस का। ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिएगा इसको, नाइट्रोजन गैस जो होती है ये वायुमंडल में 78% पाई जाती है, सबसे ज्यादा गैस यही पाई जाती है, लेकिन ये एक अक्रिय गैस है। पौधों को इसकी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि उन्हें प्रोटीन बनाना है, लेकिन इसको वो सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होता है कि जो इनकी गांठों में, जड़ों की गांठों में ये जीवाणु पाए जाते हैं राइजोबियम, ये क्या करते हैं, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है इसको जो है ये नाइट्रेट या नाइट्राइट, जो और किस्म के यौगिक हैं नाइट्रोजन के, जिनको पौधे ग्रहण कर सकते हैं, जिनको ग्रहण करने में सक्षम होते हैं, क्या है वो, नाइट्राइट, नाइट्राइट या नाइट्रेट, नाइट्रेट, इसमें ये बदलने का काम कौन करते हैं, राइजोबियम करते हैं। तो राइजोबियम इसमें बदल के पौधों को उनके जड़ों के माध्यम से प्रदान कर देते हैं, और जड़ के माध्यम से पौधे उनको लेके क्या करते हैं, अपने इस्तेमाल में लाते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रम में कुछ ऊर्जा निकलती है, उसी ऊर्जा से क्या होता है, राइजोबियम जो है अपना पोषण करते हैं। क्लियर हुआ आपको, ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से इसको समझा दिया हमने। अब ये सहजीवी संबंध का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब देखिए, कुछ जीवाणु ऐसे भी हैं जो सहजीवी संबंध में नहीं रहते, वो पृथ्वी में, भूमि में अंदर जो है जड़ों के आसपास रहते हैं, या भूमि स्वतंत्र रूप से रहते हैं, लेकिन वो सहजीवी संबंध में नहीं रहते, इसके बावजूद भी वो जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। एजेटोबैक्टर है, नाइट्रोबैक्टर है, ये सब क्या करते हैं, राइजोबियम की तरह ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, लेकिन ये मटर के जड़ों की गांठों पर आवास के लिए निर्भर नहीं होते। ये परीक्षा में पूछा जाता है अलग अलग, दोनों में अंतर यही है कि एक सहजीवी संबंध में होता है जो कि राइजोबियम है, और एजेटोबैक्टर जैसे जीवाणु ये भी स्थिरीकरण करते हैं, लेकिन ये सहजीवी संबंध में नहीं होते बल्कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर हुआ, आइए इनके पोषण को हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। अब पोषण को, जीवाणु के पोषण या न्यूट्रिशन को हम डिस्कस करते हैं कि कैसे ये अपना न्यूट्रिशन करते हैं। एक तो आपने देखा स्वपोषण, तो स्वपोषण में क्रोमैटिडियम, स्वपोषण तो स्वपोषण में एक है प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण क्रोमैटिडियम, क्रोमैटिडियम किस्म के जो जीवाणु होते हैं, एक जीवाणु का प्रकार है क्रोमैटिडियम, या रोडोस्पिरिलम, एक और होता है रोडोस्पिरिलम, ये नाम याद रखिए, क्रोमैटिडियम या रोडोस्पिरिलम, ये क्या होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण की मदद से, ये याद रखिएगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट या पर्णहरित उस तरह नहीं होता जैसा पादपों में होता है, लेकिन कुछ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से अपना भोजन बनाते हैं, मतलब स्वपोषण की प्रवृत्ति इसमें होती है। पहला क्या है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। अब देखिए, दूसरे किस्म के जो जीवाणु होते हैं है ये भी स्वपोषी ही, ये क्या होते हैं, रसायन संश्लेषी, क्या होते हैं, रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी क्या करते हैं दोस्तों, रसायन संश्लेषी जो जीवाणु हैं इनका काम क्या है, ये कुछ अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कैसे इसको समझिएगा, एक तो हो गए जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, दूसरे वो होते हैं
जो कुछ अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ का मतलब जैसे नाइट्रोजन हुआ, तो नाइट्रोजन के उदाहरण में आप दोनों चीजें समझ लेंगे। नाइट्रोजन जो गैस है, इसका स्थिरीकरण करते हैं जो जीवाणु, तो वो क्या करते हैं इसके स्थिरीकरण में, एक तो वो पौधों को नाइट्रोजन के यौगिकों को प्रदान करते हैं, और दूसरा इस ऑक्सीकरण से वो जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा का अपने लिए इस्तेमाल कर, ये रसायन संश्लेषी का मतलब यही हुआ। इनके ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा का ये अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। कुल मिला के ये हो गया कि जो प्रकाश संश्लेषी है या ये जो है रसायन संश्लेषी है, दोनों किस्म के जीवाणु क्या है, ऑटोट्रोफ है, ऑटोट्रोफिक इनको कहते हैं, या इनको आप ऑटोट्रोफ्स कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में आपको किसका नाम याद रखना है, क्रोमेटियम और रोडोस्पिरिलम का। और इसमें क्या होता है, नाइट्रोसोमनास है, नाइट्रोबैक्टर है, इसमें जैसे कौन कौन सा है, नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर। अब नाइट्रो मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहे हैं, बैक्टर बैक्टीरिया से बना है, तो कौन कौन से हुए, नाइट्रोसोमनास। ट्रिक से आप याद करिएगा कि नाइट्रोजन अकार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं, तो इसलिए रसायन संश्लेषी है, तो आप इसको इससे ट्रिक से याद करिएगा कि नाइट्रो नाम इसमें होना चाहिए, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर। ये सब क्या करते हैं, ये रसायन संश्लेषी जीवाणु हैं, ये भी ये भोजन के लिए अपने ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, प्रकाश संश्लेषी में क्रोमेटियम है, रोडोस्पिरिलम है, और रसायन संश्लेषी में क्या है, नाइट्रोसोमोनास है और नाइट्रोबैक्टर है। क्लियर हुआ, चलिए ठीक है। ये तो हो गए वो जीवाणु जो पोषण के लिए अपने ऊपर निर्भर करते हैं, मतलब स्वपोषी होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्वपोषी के अलावा इनमें होती है कैटेगरी जो विषमपोषी होती है, क्या होती है, विषमपोषी। अब दूसरे नंबर पे कौन से आएंगे, विषमपोषी। विषमपोषी को क्या हम कहते हैं, हेटरोट्रोफ्स। में देखिए तीन कैटेगरी है, इसमें जो है तीन कैटेगरी है, मैंने आपको बताया था इसमें कैसी कैटेगरी है, तीन कैटेगरी, एक होते हैं परजीवी, एक होते हैं सहजीवी, एक होते हैं परजीवी, एक होते हैं सहजीवी, और तीसरे होते हैं मृतोपजीवी। ठीक है, क्लियर हुआ, ये तीनों किस कैटेगरी में आएंगे, विषम पोषी में आएंगे, मतलब जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। एक एक करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इसमें कई चीजें ऐसे भी हैं जो आपको और सारे प्रश्नों में बहुत मदद करेंगे, जैसे परजीवी में अभी हमने आपको बताया कि परजीवी में जो माइकोबैक्टीरियम होता है, ये क्या है, परजीवी ही तो है, माइकोबैक्टीरियम जो जीवाणु है परजीवी ही तो है। ठीक है, जो ट्यूबरकुलोसिस वाला होता है वो टीबी के लिए जिम्मेदार होता है। अब एक तो ये हो गया, ये तो परजीवी है। ठीक है, सहजीवी जो अपने भोजन के लिए निर्भर करता है, तो ये कौन सा सहजीवी कौन सा हो गया, राइजोबियम क्या हो गया, सहजीवी हो गया। और मृतोपजीवी लैक्टोबैसिलस। देखिए दूध जो होता है, दूध में जीवित अणु पाए जाते हैं, तो दूध जब मृत हो जाता है तो आप समझिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु का काम क्या है, लैक्टोबैसिलस जो है लैक्टिक अम्ल को प्रोड्यूस करके क्या करता है, दूध को खट्टा बना देता है या खराब कर देता है। आगे हम जो है जीवाणुओं से होने वाले लाभों में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे दूध को दही में या दूध से जो है जो केसिन प्रोटीन पाया जाता है उसके बिंदुओं को, उसके अणुओं को आपस मिला के दही जमाने में कैसे मदद करता है, वो आगे हम देखेंगे। यहाँ ये देखिए कि मृतोपजीवी के रूप में कौन सा जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस। सहजीवी के रूप में कौन सा होता है,
राइजोबियम जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है, और परजीवी के रूप में कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरियम। ये आपको समझ में आ गया होगा विषम पोषण में जो है क्या होगा, ये तीन किस्म के जीवाणु होंगे। चलिए अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए आइए और चीजों को देख लिया जाए। इनके पोषण को तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, और ये कुछ चीजें इसमें परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती हैं, तो आप इनको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। अब इसमें जो आपको सब फिर एक अगला टॉपिक पढ़ना है जीवाणु में ही, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है इसमें, वो क्या है कि जीवाणुओं का हमारे लिए आर्थिक महत्व क्या है, ठीक है। ये तो जीवाणुओं के बारे में आपने देख लिया किस तरह की संरचना है, पोषण है, आकार है, सारी चीजें। अब जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है इनके बारे में जानना, वो क्या है कि जीवाणुओं से आर्थिक लाभ क्या है हमारे लिए, जीवाणुओं से आर्थिक लाभ, ठीक है, ये हम लोग समझ लेते हैं कि इनसे असल में आर्थिक लाभ क्या है। सबसे पहले हम कृषि में देखते हैं, एग्रीकल्चरल में, एग्रीकल्चर में इनसे हमें क्या लाभ है देखते हैं। ये सबसे पहले तो क्या करते हैं कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं, शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए एक काम तो ये करते हैं ऐसे, जैसे राइजोबियम वाला आपने देखा, अब आपको इसको लाभ के रूप में देखना है। राइजोबियम, राइजोबियम आपने समझ तो सब लिया ही होगा, राइजोबियम क्या करता है, ये काम करता है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए पौधों को बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो प्राप्त हो जाते हैं और तरीकों से, लेकिन नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होगा, नाइट्रोजन वायुमंडल में गैस के रूप में विद्यमान है, ठीक है। अब उसको कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए यही जो स्थिरीकरण वाले जीवाणु है काम करते हैं, क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को क्या करते हैं, उन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जो पौधे सीधे ले सकें, नाइट्रेट में और नाइट्राइट में, ठीक है, ऐसे फॉर्म में जो पौधे ग्रहण कर सकते हैं। राइजोबियम होते हैं, ठीक है, एजेटोबैक्टर होते हैं, एजेटोबैक्टर भी ये काम करते हैं। तो इस तरह उन तत्वों की पूर्ति करने में ये पौधों की मदद करते हैं जिससे पौधे अपना प्रोटीन बना सकें। एक चीज ये क्लियर हुई, ठीक है। दूसरी बात, अब देखिए यहाँ दो चीज याद रखिएगा, एजेटोबैक्टर एक मैंने बताया, एजेटोबैक्टर, एक और होता है क्लॉस्ट्रिडियम, क्या होता है, क्लॉस्ट्रिडियम। ये दो जीवाणु, और इधर ये देखिए राइजोबियम, इधर क्या देखेंगे, राइजोबियम। राइजोबियम जो है ये रहता है सहजीवी संबंध में, सहजीवी संबंध में रहता है लेग्यूमिनेसी कुल के जो है पौधों के साथ, और ये जो एजेटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रिडियम है, ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम है, ये क्या करता है, ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ये सवाल पूछा गया है परीक्षा में, स्वतंत्र अवस्था में रहने वाले जीवाणु कौन से हैं, लेकिन वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, एजेटोबैक्टर है, क्लॉस्ट्रिडियम है, और राइजोबियम क्या है, ये सहजीवी संबंध में रहता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। क्लियर हुआ, चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए अब इसमें जो है इन जो क्रियाएं होती हैं जो इनसे मुक्त ऊर्जा, अब देखिए इन्होंने तो नाइट्रोजन दे दी, नाइट्रोजन के फॉर्म के रूप में पौधों को दे दिया, अब इनकी इस क्रिया में क्या होता है, इनकी इस क्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, क्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त होती है या मुक्त होती है। अब यही ऊर्जा क्या करते हैं, रसायन संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं, रसायन संश्लेषी जीवाणु अपने अपने क्रियाओं के लिए इनका प्रयोग करते हैं। मतलब रसायन संश्लेषी जीवाणु क्या करते हैं, यही जो क्रिया होती है इसमें जो ऊर्जा निकलती है उसका वो प्रयोग करते हैं, बाकी जो है
नाइट्रोजन के और सारे फॉर्म में इन्होंने उसको दे दिया नाइट्रेट या नाइट्राइड के रूप में। तो ये इनका मुख्य काम है, ठीक है, ये इनका मुख्य काम है। अपने लिए भी इन्होंने ऊर्जा का प्रबंध कर लिया और पौधों को इन्होंने नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन की यौगिकों की उपलब्धि करवा दी, ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए कुछ ऐसे जीवाणु हैं, कुछ ऐसे भी जीवाणु, एक तो आपने देखा कि जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके, ठीक है, दूसरा दूसरा क्या है, खाद, खाद के निर्माण के रूप में, निर्माण के रूप में। ये कैसे, देखिए जो मृत पौधे होते हैं या जंतुओं के अवशेष होते हैं उसको जीवाणु क्या करते हैं, सरल जो भी कार्बनिक तत्व उनके शरीर में पाए जाते हैं जिनसे उनका कार्बनिक तत्व के माध्यम से उनका शरीर निर्मित होता है, जब वो मृत प्राय हो जाते हैं तो उन जटिल कार्बनिक तत्वों को जीवाणु क्या करते हैं, जीवाणु सरल और छोटे छोटे तत्वों में तोड़ देते हैं। वो सरल तत्व क्या है, जैसे जल हो गया, CO2 हो गया, ठीक है, इन सब तत्वों में वो क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, जिससे वो मृदा में घुल मिल जाते हैं, प्रकृति को पुनः जो है ये तत्व प्राप्त हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, सबसे बड़ी बात क्या होती है, भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाती है, उर्वरा शक्ति में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब देखिए दो बातें हैं कृषि में इनका क्या योगदान है, सबसे पहले कि पोषक तत्वों के रूप में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना और उन्हें उन यौगिकों के रूप में पौधों को प्रदान करना जिन्हें पौधे सरलता से ग्रहण कर सके। दूसरी बात, ऐसे मृत पौधे या मृत जानवरों के अवशेषों को सड़ाना गलाना ताकि वो एक खाद के रूप में जो है पौधों की जड़ों के माध्यम से खनिज पदार्थ के रूप में उन्हें उपलब्ध हो सके ताकि पौधे अपना पोषण उनसे प्राप्त कर सकें। ये दो चीजें जो है कृषि के रूप में इनका जो है योगदान करता है। अब देखिए कृषि के बाद डेयरी उद्योग, डेयरी उद्योग में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। डेयरी उद्योग में क्या करते हैं, स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिस जो जीवाणु होता है डेयरी में, ठीक है, स्ट्रेप्टोकॉकस और लैक्टोबैसिलस, ये जो लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकॉकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस, ठीक है, इसमें दो तरह के लैक्टिस होते हैं, ये लैक्टिस मतलब स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिस है और ये लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है। ये जीवाणु करते क्या है, ये जीवाणु का काम क्या है, डेयरी उद्योग में इनका क्या काम है, ये जो है इसमें देखिए एक लैक्टिस वो होती है शर्करा, लैक्टिस शर्करा, दूध में एक शर्करा पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, लैक्टिस शर्करा। इसी लैक्टिस शर्करा का क्या करते हैं, ये किण्वन करते हैं, क्या करते हैं, किण्वन, जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। जब ये लैक्टिस शर्करा का किण्वन कर देते हैं तो इससे क्या होता है, दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, दूध खट्टा हो जाता है, ठीक है, क्या करते हैं, फर्मेंटेशन, क्लियर हुआ, ठीक है, दूध खट्टा हो जाता है। अब देखिए कब आपने देखा होगा, एक शब्द सुना होगा, पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण से भी प्रश्न पूछा गया है थीसिस में, पाश्चुरीकरण क्या है ये हम यही समझ लेते हैं। देखिए पाश्चुरीकरण के लिए या दूध को बचाने के लिए आवश्यक है कि ये जो स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिस जीवाणु है या लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु है इनकी संख्या शून्य की जाए या कम से कम की जाए ताकि ये दूध को खराब न कर सकें, खट्टा न कर सकें, ठीक है। ये कैसे किया जाता है, इसके लिए देखिए पाश्चुरीकरण एक प्रणाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे, इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा गया है तापक्रम के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा आपको दो चीज याद रखनी है, आपको याद रखना है कि 15 सेकेंड आपको दूध गर्म करना है, ठीक है, 15 सेकेंड तक दूध को गर्म करना है, किस टेम्परेचर पे, 71 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ध्यान दीजिएगा
71 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप दूध गर्म करते हैं कितनी देर के लिए, 15 सेकंड के लिए, या फिर अगर आपको 30 मिनट गर्म करना है, 30 मिनट गर्म करना है और कितनी देर के, कितने टेम्परेचर पे, ये 62.08 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर फिर कम हो जाएगा, मतलब 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे लगभग अगर आप दूध को गर्म करते हैं आधे घंटे तक, या टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिर्फ 15 मिनट के लिए, अगर आप दूध को गर्म करते हैं फिर अचानक से उसको ठंडा कर लेते हैं, फिर दूध पैकेट में पैकिंग कर देते हैं, यही प्रक्रिया क्या है, पाश्चुराइजेशन है या पाश्चुरीकरण है। इससे क्या होता है, ये जो जीवाणु हैं जो दूध को खराब करते हैं या खट्टा करते हैं, इनकी संख्या न्यूनतम हो जाती है या खत्म हो जाती है, ठीक है। तो पाश्चुरीकरण प्रणाली इसी चीज को कहते हैं। अब इसको आपने देख लिया, अब देखिए लैक्टिक अम्ल जो होता है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल, ये जीवाणु कैसे काम करते हैं दही जमाने में। अब देखिए दूध जो होता है केसिन प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदे इसमें पाई जाती हैं, दूध उसी से बना होता है, दूध में केसिन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी ऐसे बूंदे पाई जाती हैं, ठीक है। तो जो लैक्टिक अम्ल होता है ये क्या करता है, लैक्टिक अम्ल या कह लीजिए ये जीवाणु क्या करते हैं, किस तरह काम करते हैं, लैक्टिक अम्ल से ये जो बूंदे हैं ये आपस में संयुक्त हो जाती हैं, ये आपस में क्या होती हैं, संयुक्त हो जाती हैं, तो दही का थक्का जम जाता है, जिससे हमें दही प्राप्त होता है या कर्ड प्राप्त होता है, ठीक है, हमें दही या कर्ड प्राप्त होता है। तो दही जमाने में ये जीवाणु हमारी मदद करते हैं, ठीक है। तो डेयरी उद्योग में हमने ये चीज देखा। अब देखिए सिरका, सिरका एसेटोबैक्टर एसेटी एक जीवाणु है, एसेटोबैक्टर एसेटी, ध्यान दीजिएगा एसेटोबैक्टर एसेटी जीवाणु ये जिम्मेदार क्या होता है, ये सिरके के लिए जिम्मेदार होता है। सिरके को कैसे बनाया जाता है, देखिए शर्करा, शर्करा है, शर्करा के घोल को, शर्करा के घोल को अगर आप फर्मेंटाइज कर देंगे, इसका फर्मेंटेशन करेंगे, तो ये जीवाणु जो पाया जाता है एसेटोबैक्टर एसेटी, ये शर्करा के घोल का किण्वन करके, किण्वन करके क्या बनाता है, सिरका बनाता है, क्या बनाता है, सिरका। मतलब सिरका बनने के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है, यह आपके सामने है एसेटोबैक्टर एसेटी, कैसे बनता है, शर्करा के घोल का फर्मेंटेशन करके, ठीक है, या शर्करा के घोल का किण्वन करके। तो इसका मतलब शर्करा के घोल में अगर हम इसका जो है प्रयोग करते हैं तो इससे हमें जो है क्या मिलेगा, सिरका प्राप्त होगा। चलिए और देख लेते हैं तंबाकू, बैसिलस मेगाथेनियम, बैसिलस मेगाथेनियम, ये क्या है, तंबाकू की पत्ती। अब देखिए तंबाकू जो होता है, तंबाकू नशीला पदार्थ है, ठीक है, तंबाकू की पत्तियों में, तंबाकू की पत्तियों में क्या किया जाता है, ये प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, तंबाकू की पत्तियों में क्या किया जाता है, ये प्रोसेसिंग की जाती है, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, स्वाद और सुगंध बढ़ाने के लिए किया जाता है। तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं, नशे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि एक विशेष किस्म की स्वाद होता है और सुगंध होती है, ठीक है, तो स्वाद और सुगंध बढ़ाने के लिए इसी जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। कौन सा जीवाणु है, बैसिलस मेगाथेनियम, ये तंबाकू की पत्ती का स्वाद और सुगंध बढ़ा देता है, ठीक है। चलिए अब एक है जो है आपका ब्यूटाइल एल्कोहल एसीटोन, ठीक है, अब आप इनका नाम बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कितने नाम आप याद करेंगे, अब इसको इसी पे आप छोड़ दीजिए, बस ये जान लीजिए एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल, एल्कोहल और एसीटोन, एल्कोहल और एसीटोन, एल्कोहल और एसीटोन जो ये बनता है ये भी शर्करा के, शर्करा के फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन,
फर्मेंटेशन या किण्वन से प्राप्त होता है, और इसके लिए भी क्या होता है, जीवाणु जिम्मेदार होता है। बस इतना पर्याप्त था आपके लिए जानना। तो ये भी हो गया। और देखिए, और इसके अलावा भी जीवाणुओं के बहुत सारे लाभ हैं। जैसे आपने देखा होगा ये पौधा होता है सन का, सन या जूट जो होता है, ठीक है, सन या जूट का जो पौधा होता है इसको तालाब में जो है भिगो के रखते हैं, तो इसमें जीवाणु जो होते हैं इसके छिलके को सड़ाते हैं, फिर पीट पीट के छिलके को तने से अलग निकाल लिया जाता है और रेशा बना लिया जाता है। ये तभी संभव होता है जब जल में रहने वाला जीवाणु इसके साथ क्रिया करे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब वहाँ भी जीवाणु हमारी मदद करता है। तो जीवाणुओं से बहुत सारे आर्थिक लाभ हैं, और जितने लाभ भी हैं उनकी हानियाँ भी हैं। इनसे बहुत सारे रोग होते हैं मानव जीवन में। तो अगले टॉपिक में हम लोग जो है जीवाणुओं से होने वाले रोगों को देखेंगे, उसके साथ जीवाणु का टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल जरूर पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा और जो संभावित प्रश्न है उनको हल करने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, ठीक है।